दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आई है। निकल के नया नोटिस जारी किया गया है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों तरह की यहाँ बात हो रही है। बिल्कुल विस्तार से ये नोटिस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और दिल्ली में रेगुलर बेसिस और गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं क्या नया नोटिस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की तरफ से जारी किया गया है आज की डेट में। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। नोटिस पे डेट 3 अक्टूबर 2022 डली हुई है। री एलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स इन एडेड स्कूल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD ऑफ दिल्ली। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली के जो एडेड स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, वो भी अतिथि शिक्षकों को अलोकेट किए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में काफी बड़े संख्या में पद खाली हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली जा रही है। स्कूल अपने लेवल पे शायद अब रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकते हैं। पीछे एक रूल आया था लगभग साल भर पहले, तो गवर्नमेंट कब रिक्रूटमेंट निकालेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां पे भी जो वैकेंसियां खाली थी उन्हें अतिथि शिक्षकों से अब भरा जा रहा है। तो पहली लिस्ट है मोतीराम मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो ये आप देख सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी और पीईटी अतिथि शिक्षक यहां भेजे जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार से मुखर्जी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी अतिथि शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यहां एक कैंडिडेट, एक अतिथि शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्हें जीरो वर्किंग डेज का एक्सपीरियंस है। इसके बाद श्री फूलचंद वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रामजस एडेड स्कूल, SBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कस्तूरबा बालिका विद्यालय ईश्वरनगर न्यू दिल्ली, आदर्श सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक, गोविंद राम गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामबाग रोहतक रोड न्यू दिल्ली। तो ये देख लीजिए दोस्तों, काफी बड़ी लिस्ट जारी कर दी गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई। लगभग सभी सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षक हैं और टोटल कितने एडेड स्कूल हैं जो अलोकेट किए गए हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बाकी इस नोटिस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका इसमें नाम या रोल नंबर है तो 7 वर्किंग डेज का समय आपको दिया जा रहा है जो भी आपका स्कूल है वहां रिपोर्ट करने का। टोटल 33 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की ये लिस्ट आई है अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।